वो एक बहुत ही बेजरर से इंसान थे। गुस्सा, नफरत, ये जज्बात होते क्या हमको तो पता भी नहीं था। मगर हाँ, जिस जालिम की गोली का निशाना बने वो बहुत गुस्से में था उस दिन। पर गुस्से का तो पछतावा होता है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ पछतावे का क्या करना है? ऐसे गुस्से के बदले तो सजा होनी चाहिए। कड़ी सजा। सजा सिर्फ तुम उसे नहीं दे रही कदर, तुम तो अपने आप को भी सजा में मुब्तला कर रही हो। देखो, कोशिश करके उस शख्स को माफ कर दो। हो सकता है कि उसके घर वाले हों, बच्चे हों, क्योंकि उसके इस गुस्से की वजह से बहुत कड़ी सजा काट रहे हो। और मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ उसका क्या दुरिया? ये तो एक ना खत्म होने वाली चेन है, नुकसान के बदले नुकसान। किसी ना किसी को तो इसे तोड़ना होगा ना। अच्छा, खैर, प्लीज ये रख लो। ठीक है, एक्चुअली मेरी कमेटी निकली है, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा तुम रख लो। नहीं नहीं मैं ये पैसा बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम मुझे अपना नहीं समझती क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं। लेकिन फिर ये इनकार क्यों? मुझे इस वक्त पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब होगी तो तुमसे ही मांगूंगी ना, और अगर नहीं भी वापस करोगी तो कभी मुतालबा नहीं करूंगी। प्लीज मुझ पे इतने एहसानात मत करो, मैं नहीं चुका सकती। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही, वही तो कहा तुमसे, तुम बहन हो मेरी। और फिर ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लगा रही हो, जो लड़ाई लड़ रही हो, वो खाली जेब के साथ नहीं लड़ी जाती कदर। इस वक्त तुम्हारी जंग लंबी और हाथ खाली है, इसलिए प्लीज रख लो। ठीक है, रख लेती हूँ। पर ये मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है।